हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास नाइन्थ मैथ्स एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको होमवर्क में दिया था। जिन बच्चों ने नहीं किया वो देख लो एक बार। और ये क्वेश्चन आपका है 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर, ये इसकी साइड दे रखी है। ओके, अब इसका हमें फाइंड आउट करना है एरिया। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको इससे पहले वीडियो में ही मिल जाएगा। और ये तो हमने डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा हुआ आपको डायग्राम में मिलेगा। देखो, ये आपके पास साइड है 11, 6 एंड 15। तो S सबसे पहले फाइंड आउट करो। S सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका, S इक्वल्स टू ए प्लस बी, 11 प्लस 6 प्लस 15 बाय 2, यानी हाफ पैरीमीटर आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो 11, 6, 17, 17 एंड 15 32, 13 बाय 32 बाय 2, एस इक्वल्स टू 16 मीटर। ये आ गया आपके पास S। अब इसका एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, गिरोंस फॉर्मूला। एरिया इक्वल्स टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S कितना है? 16 माइनस A, ये इसको मान लो 11 को। S माइनस B, 16 माइनस 6, S माइनस C, 16 माइनस 15। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करो। 16 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 5। मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस करोगे ये आएगा 10, इसमें से इसको माइनस करोगे ये आएगा आपका 1। देन ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 1। अब क्या हुआ, पेयर बनाओ 1, 2 और 3। ये पेयर बन के क्या रहेगा हमारे पास, 2, यानी कि 2 इंटू 2, ये एक पेयर, दूसरा पेयर, दूसरे में से एक ले लिया और 5 और रह क्या गया, ओनली 2। तो ये 2 ऐसे कैसे रहे, 2 की 4 5 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पैरीमीटर इज 42। मीन्स अगर आपको ये ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल तो टू साइड आपको गिवेन है, एक 18 गिवेन है, एक 10 गिवेन है, और थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको पैरीमीटर दे रखा है कितना, 42, यानी तीनों साइड का सम। अगर हम इस 42 में से इन दोनों को माइनस करके, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं ऐड करके, तो ये आपकी थर्ड साइड फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे करो, थर्ड साइड इक्वल्स टू पैरीमीटर 42 माइनस 10 प्लस 18। सॉल्व करेंगे 42 माइनस 28, तो ये हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 14 सेंटीमीटर थर्ड साइड, 14 सेंटीमीटर। अब इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसका एरिया फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करो S। तो S के लिए A प्लस बी प्लस सी, अब तीन साइड हमारे पास ये होगी, A प्लस बी प्लस सी, ये तीनों साइड हमने ले ली, इनका टोटल बाय 2। S इक्वल्स टू हो जाएगा, इन सबको ऐड करोगे 42 आएगा, 42 बाय 2, S इक्वल्स टू 21। हाफ पैरीमीटर होता है आपका S, अगर आप 42 का हाफ करोगे तब भी आपका पैरीमीटर ही फाइंड आउट होगा। ओके, नेक्स्ट अब एरिया हीरोंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। इक्वल्स टू S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S हमारे पास है 21, 21 माइनस 10, 21 माइनस 18, 21 माइनस 14 इक्वल्स टू, यहाँ 21 है, यहाँ हमारे पास 11 है, इसमें से इसको माइनस कर लो ये 3 होगा, इसमें से इसको माइनस कर लो ये हो जाएगा 7। ओके, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 इंटू 7 और 11 इंटू 3 इंटू 7, तो 3 का पेयर, 7 का पेयर, क्या बचा हमारे पास, 11, यानी कि 3 इंटू 7 रूट 11, यानी कि 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। ओके, नेक्स्ट है आप, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है,
sides of triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 cm. Find its area. हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास साइड होनी चाहिए. साइड हमारे पास है नहीं, साइड का रेशियो गिवन है, तो हम इसको कर लेंगे फर्स्ट साइड. लेट फर्स्ट साइड बी 12x, सेकंड साइड बी 17x एंड थर्ड साइड बी कितना 25x. ये हो जाएगा, इन सब का सॉल्व, इन सब को ऐड करेंगे तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 540. इन सबको ऐड करो, 12, 17 एंड 25, इन सबको ऐड करोगे 500, वो 54 आएगा. 54x इक्वल्स टू 540, देन x इक्वल्स टू 540 बाय 54. 54 के डिवाइड इसमें दो, 10 आ गया. x बेस पे 10 आ गया, तो अब साइड फाइंड आउट कर लो. साइड हो जाएगी, फर्स्ट साइड कितना है 12x यानी कि 12 × 10 यानी कि 120 cm. और सेकंड साइड इसी टाइप से, सेकंड साइड भी हो जाएगी हमारी कितनी है 17x, 17 × 10 170 cm. एंड थर्ड साइड ये हो जाएगी हमारी कितनी 25 × 10 यानी कि 250. ओके स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या इसका s. s इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू. ये हमारे पास है 120, बी हमारे पास है 170 और सी हमारे पास है 250 बाई टू. तो s इक्वल्स टू, ये सब ऐड करोगे तो वही 540 आएगा. तो 540 बाई टू, s इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 270 हो गया. ये आपका s. अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया. हीरोंस फॉर्मूला यूज़ करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ये हो गया. अब इसके बाद एस क्या है हमारे पास, 270 माइनस ए, ये हमारे पास है 120. एस माइनस बी 270 माइनस 170. एस माइनस सी 270 माइनस 250. ये अब इक्वल्स टू 270 इंटू, इसमें से इसको माइनस कर लो, 27 में से 12 माइनस करो तो कितना बचेगा हमारे पास 27. अगर हम 270 में से 170 को माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा 100, और 270 में से 250 को अगर माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास बचेगा 20. ओके, देन सॉल्व करो इसे. ये हो सकता हमारा 3 × 30 × 3 × 3 × 3 9 9 3 27. ओनली इतना ही रह जाएगा. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 3 × 5 3 × 15 × 10. ओके, इंटू 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 10 × 10. 20 को लिख सकते हैं हम 10 × 2. ये हमने लिखा. अब क्या है, ये 30 है, 30 को ये दोनों अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 30 हो जाएगा. ये आपका 10 है. ओके, और ये आपका 10. अब देखो हमने इस साइड में कर लिया है 270 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 30 3 × 3 × 27. इसको हम लिख सकते हैं 30 × 5. इसको हम लिख सकते हैं 100 को 10 × 10, पेयर ही बन गया एक साथ एक तरह से. और 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5. इसको ऐसे लिख सकते हैं, पेयर बनाओ, ये पेयर, ये पेयर, 5 का पेयर, 2 का पेयर, 100 का पेयर, सारे पेयर बन गए. तो ये हो गया 3 का पेयर इंटू 30 का पेयर इंटू 5 का पेयर इंटू 10 का पेयर इंटू 2 का पेयर. सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 90 इंटू 5 × 10 = 50 इंटू 2. तो 5 × 2 = 10, 90 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 900 cm². ये आपका आंसर. ओके स्टूडेंट्स, तो
इसी टाइप से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका, एन आइसोसेलस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें टू साइड इक्वल होती हैं। अगर इस टाइप से हम ट्रायंगल बना लें तो इसमें टू साइड इक्वल और वन साइड डिफरेंट, इक्वल साइड 12 दे रखी है, 12 दे रखी है और थर्ड साइड आपकी डिफरेंट होगी, इसको आप एक्स मान लो। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 12 + 12 + x इक्वल्स टू कितना, 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 24 + x इक्वल्स टू 30, देन एक्स इक्वल्स टू 30 - 24, एक्स इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड हमें पता चल गई। अब हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके लिए हमें चाहिए s, s के लिए 12 + 12 + 6/2, s इक्वल्स टू 30/2, s इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला लगा लो, एरिया ऑफ एरिया इक्वल्स टू s s माइनस a, 15 - 12 - 12 and 15 - 6, ये आ गया। सॉल्व करेंगे इसको, 15 × यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 15 - 6 = 9। ओके, देन इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 3 × 3, ओके यहाँ पे भी हो गया 9 को 3 × 3, 3 × 3। तो इस टाइप से हमने लिखा, एक पेयर, दो पेयर और ये इसका पेयर बनानी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 √15, 5 × 3 = 15, तो 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसका आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज एक्सरसाइज 12.1। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।